हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुलदीप सिंह ब्लॉग्स में। और आज हम लोग जा रहे हैं सुखदेव मंदिर सुक्करताल। तो चलो शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ अभी पहुँच गए हैं मंदिर के पास वाले क्षेत्र में। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, अभी ये है मंदिर का मेन गेट जो कि काफ़ी सुंदर बनाया गया है। और आगे हम लोग अंदर चल के आपको दिखाते हैं बाकी मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है, छोटे बच्चों के खेलने के सामान, लेडीज़ पर्स वगैरह है। बाकी हम ये चीज़ आपको बाद में दिखाएंगे। अभी हम लोग जाते हैं सीढ़ी से। ये जो सीढ़ी जा रही है सीधे यहाँ पे मंदिर के ऊपरी हिस्से में जाती है। यहाँ पे के लोग आते हैं, भक्त लोग काफ़ी दूर दूर से अपनी मनोकामना मांगने के लिए, जिनकी काफ़ी लोगों की यहाँ मनोकामना पूरी भी होती है मन की शांति के लिए भी। तो हम लोग भी आज इसीलिए आए हैं और देखते हैं आपको हम आगे और क्या क्या चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। और ये यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप चप्पल और जूते उतार कर ही आपको मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। तो फिर हम लोग भी पहुँचे और हमने भी यहाँ पर अपने सैंडल उतारे और बाकी आगे मंदिर के परिसर में प्रवेश किया। और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि ये है अक्षय वट वृक्ष, जो कि लगभग 5000 सालों से भी ज़्यादा पुराना महाभारत काल के समय से यहाँ पर है। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं ये कितना हरा भरा है और कितना विशाल है। उसकी टहनियाँ आप लोग देखिए, कितनी बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं। और आप लोग ये देख सकते हैं बाकी यहाँ पूरे सुक्करताल का नज़ारा, जिसमें हम आपको यहाँ से दिखाएंगे यहाँ पर जो कि पीछे जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्र है। इसमें आप जैसे देखते हैं ये गंगा माँ जो कि हरिद्वार से आती है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो एकदम बिल्कुल साफ गंगा जल है, ये गंगा माँ यहाँ पर है, इस क्षेत्र में आती है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, वहाँ पे घूम के भी आएंगे, वहाँ पे स्नान भी करेंगे। और ये बाकी लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, और धर्मशाला भी है। बाकी अब आप लोग यहाँ पर ठीक से देखें, ये जो वट वृक्ष है इसमें एक और यहाँ पे लोगों का मानना है, यहाँ पर एक तोता है जो जोड़े में है, और अगर आपको उनको दर्शन हो जाते तो आप काफ़ी अपने आप को भाग्यशाली मान सकते हैं। और यहाँ पे बाकी लोग आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी देख सकते हैं बैठे थे यहाँ पे, आराम कर रहे थे। और ये देखिए कितना एकदम प्राकृतिक दृश्य है, कितना हरा भरा पूरा सुक्करताल आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ी है और ये बने हुए छोटी छोटी धर्मशाला है, यहाँ पर आप आ सकते हैं, रुक सकते हैं। और ये है हनुमान धाम, यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमान जी की जो 77 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसके ऊपर मेरा एक और पुराना व्लॉग है, आप उसको जाके देख सकते हैं, मैं उसको लिंक में डाल दूंगा, आप उसको देख के मुझे कमेंट करके बताएं वो व्लॉग आपको कैसा लगा। और ये यहाँ से बाकी आप इसके आसपास का जो क्षेत्र है, छोटे छोटे यहाँ पे आश्रम बने हुए हैं, आप रुक सकते हैं। ये मंदिर भी है बाकी लोग जो यहाँ पर है। इसके बाद आप पूरा नज़ारा आप देखें, कितना एकदम सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और मुझे बताइए आपको ये नज़ारा कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ से अब आप देखिए पूरा एकदम प्राकृतिक नज़ारा, कितना एकदम, मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर, मन को एकदम शांति मिली। और अब हम लोग ऊपर चलते हैं जो मंदिर का मेन भाग है, ऊपर वाले भाग में यहाँ पर हम पहुँचते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसे ही एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो, यहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं, इस वट वृक्ष पे आप भोग लगा सकते हैं अपनी मनोकामना। और ये देखिए इसकी टहनी कितनी विशाल का है और कितनी मोटी है, हजारों सालों से वृक्ष है। और ये है अक्षय वट वृक्ष का के बारे में जानकारी लिखी गई, इसमें हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को जो श्राप प्राप्त था उससे मुक्ति पाने के लिए 7 दिनों तक 88,000 ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया, जिसमें सुखदेव जी महाराज ने भगवत गीता गाकर सुनाई और फिर उन्हें श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। और ये आप ये देख सकते हैं जिसमें इसमें दूसरी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि ये लगभग 5125 वर्ष पुराना वृक्ष है, जो कि महाभारत काल से यहाँ पर है और अभी भी एकदम हरा भरा है। और इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है जो कि इसमें लिखी हुई है। बाकी आप कभी आए और मुझे कमेंट करके बताएं आपको यहाँ आके कैसा लगा। और ये है वृक्ष का मेन भाग, जो कि यहाँ पर लोग बाग अपनी मनोकामना बांध कर के लिए आते हैं और यहाँ पर इसकी परिक्रमा भी करते हैं।
ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दूर दूर से माताएं आई हुई हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और धागे बांध रहे हैं। यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बाकी हम आप अभी आप लोगों को आगे भी मंदिर के परिसर का भ्रमण कराएंगे और आपको दिखाएंगे आगे मंदिर में क्या क्या है। और आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक छोटा और मंदिर है, ये है सुखदेव चरणदास जी का। और ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। और ये आपको कैसा लगा? आप जो और फिर हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर पंडित जी से हमने आशीर्वाद लिया, तिलक किया और उसके बाद हमने यहाँ पर बैठ के प्रसाद भी चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ी देर ध्यान किया, मनोकामना आपके लिए, अपने लिए, सब लोगों को सुख शांति मिले उसके लिए यहाँ पर मैंने मनोकामना और ध्यान से मैं बैठा। और यह देख सकते हैं आप भगवान श्री कृष्ण जी का कितना सुंदर मंदिर बनाया था यहाँ पे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आपको ये मंदिर का परिसर और कैसा लगा? उसके बाद हम लोग मंदिर के दूसरे हिस्से में पहुँचे, यहाँ पर जो भक्त लोग आए हुए थे वे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। फिर उसके बाद हम आगे चल कर वहाँ पता किया हमें कि यहाँ पर एक कथा भवन भी है, जो इसमें यहाँ के परिसर में जो कि भक्त लोग आए हुए थे, यहाँ बैठे हुए हैं, अपना आराम कर रहे हैं, यहाँ मंदिर के दर्शन। और आप यहाँ देख सकते हैं ये जो श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है यहाँ पर कितना सुंदर है। लोग यहाँ भक्त लोग अपने परिवार के साथ आरती करने के लिए बैठे हुए थे। फिर हम यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए सोच रहे थे, मगर यहाँ पर इतनी काफ़ी भीड़ थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने हनुमान जी का जो एक और मंदिर बना हुआ है, हमने यहाँ पे उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और यहाँ से आशीर्वाद लेते हुए हम आगे की ओर हमने प्रस्थान किया। अब हम लोग यहाँ मंदिर के जो दूसरा परिसर, जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ पहुँचे, जहाँ की मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कथा भवन है। और यहाँ हम लोग पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ कथा हो रही थी, यहाँ पर भक्त लोग बैठे हुए थे और कथा का आनंद ले रहे थे। कथा का हमने भी आनंद लिया और यहाँ पर थोड़ी देर हमने अपना समय व्यतीत किया और कथा सुनकर हमें भी बहुत ही प्रसन्नता हुई। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पर सब व्यवस्था की गई है, आप आराम से बैठ सकते हैं, पंखे वगैरह, लाइट वगैरह, पूरी सुख सुविधा है यहाँ पर, आप बैठ के आराम से कथा का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर जो कथावाचक है, उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जो। और ये हम मंदिर के परिसर से बाहर आते हुए, जो कि आपको दिख सकता है यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें जो लगी है, छोटा सा बाजार, और हम बाहर निकले, ये मंदिर के गेट से हमने बाहर का प्रस्थान किया। यहाँ पे जो छोटा बाजार लगा हुआ है, यहाँ से आप अपने छोटे बच्चों के लिए और अपने लिए कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए काफ़ी खेलने की खिलौने हैं और कुछ बैग भी है, पर्स वगैरह यहाँ पर आप लोग खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए खिलौने काफ़ी हैं यहाँ पे, छोटे छोटे, गाड़ी वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आप मेरे को बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा।